बहुत खूबसूरत फीलिंग है ये, और पिछले 24 घंटे में चेंज नहीं, मुझे नींद मिली पहली बार। दो दिन से सोया नहीं था तो मैं 4-5 घंटे सो पाया, और जो मैंने प्रॉमिस किया था कि ट्रॉफी डोंगरी जाएगी, तो मैं आज दोपहर में डोंगरी लेकर गया था ट्रॉफी। और लोगों का इतना सारा प्यार देख के मैं ऐसा फील कर रहा था कि यार ये सपना ही देख रहा हूँ। तो ये बहुत खूबसूरत फीलिंग है, और ये 24 घंटे लाइफ के बहुत चेंज थे, कि जहाँ पे ऐसा होता था कि पार्किंग में एक जन आता था कि फ़ोटो ले लो, आज 4 लोग 5 लोग जमा हो जा रहे। तो इट्स लाइक जब भी मदर्स डे वगैरह कुछ होता था, मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पाता था, मोस्टली मैं बहुत ऐसे टची हो जाता था, मैं चाह के भी पोस्ट कभी नहीं कर पाता था। बट ऑलवेज मैं अभी जब लॉकअप में जब था, मैं हमेशा ही मॉम को बहुत याद करता हूँ, बट पहली बार मैंने पब्लिकली ऐसा कुछ मेंशन किया था। तो मैं बस अपनी माँ के लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था उन्होंने मुझे बहुत दुआएँ दिए, और मुझे लगता है मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे मॉम और डैड की दुआओं की वजह से ही हूँ। और जो माँ बाप की दुआ लेता है वो इंसान दुनिया में कहीं भी पीछे नहीं रहता है। तो जस्ट बिकॉज मैंने उनकी दुआएं ली है, बहुत कम मौका मिला मुझे, बट जितना मिला उतना काफ़ी था। डोंगरी पे जाम हो गया था भाई आज, डोंगरी तो पूरा पागल हो गया था, डोंगरी तो एकदम जाम हो गया था, गाड़ियाँ वाड़ियाँ पूरी फुल धमाल थी डोंगरी का। पता चला कि पायल रात की शो में है और ऐसे बहुत सारे लोग शो में हैं जो झगड़ा करेंगे, तो आई वॉज ऑब्वियसली वेरी स्कैर्ड कि उनका सामना कैसे करूं। लेकिन आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट मेरे राइट टिल द एंड तक थी, आई वॉज देयर फॉर 10 वीक्स। तो आई थिंक मुनव्वर की सबसे स्पेशल क्वालिटी ये है कि वो सबको मना सकता है, पहले वो सबकी कर सकता है और फिर उनको मना भी सकता है, एंड दैट आई थिंक इज द बिगेस्ट थिंग। यू नो आई एम सो थैंकफुल दैट आई गॉट टू डू द शो एंड एक्सपीरियंस कंगना एज अ प्रोफेशनल विद व्हाटएवर डिफरेंसेस आई हैव विद हर। आई स्टिल फील दैट टू
ट्रूली डेमोक्रेटिक पीपल कैन लिव इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया. थैंक यू. हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले हमने शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा ख्याल थे, बहुत ज़्यादा थॉट्स थे कि क्या होगा, कैसा रहेगा. एंड डिजिटल पे मेरा पहला डेब्यू है और एज अ होस्ट भी मेरा डेब्यू है. एंड फॉर आई थिंक एकता जी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऑल्सो सम रिस्क शी हैज़ टेकन इन हर ओन वर्ड्स. सो देयर वर मेनी डाउट्स, लेकिन अब जब ये इतना कामयाब हो गया है शो हमारा और इसने इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं और इतना अच्छा लगा काम करके भी और इतना मज़ा आया कुछ नया करके, सो वी आर वेरी हैप्पी, होल टीम इज़ वेरी हैप्पी. जी बिल्कुल. और मैं ये कहूँगी कि जबकि ये शो का निर्णय मेरे हाथ में था, लेकिन आई वुड लाइक टू बिलीव कि आई एम वेरी राइटियस, आई एम वेरी फेयर एंड आई वुड लाइक टू हैव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ बीइंग फेयर. क्योंकि जिस तरह से मुझे बुली किया गया था और जिस तरह से मुझे सताया गया इंडस्ट्री में जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं थी, तो वो मैं कभी भी नहीं करना चाहती. और मुझे उससे भी मुझे ज़िंदगी में सबक मिला, अपने मेरे दुश्मनों ने भी मुझे कुछ सिखाया है. आई वुड नेवर वॉन्ट टू बी लाइक दैम. तो मैं हमेशा से बहुत राइटियस स्टैंडर्ड्स अपने लिए रखना चाहती हूँ कि अपनी पसंद नापसंद से उभर कर जो इंसान डिज़र्व करता है हमेशा उसके लिए खड़ा रहना चाहती हूँ. हमारे सारे ही जितने भी हमारे कैदी रहे हैं, चाहे वो पायल हो, मुनव्वर हो, शिवम हो या आजमा हो, जो भी रहे हैं बहुत ही कामयाब और बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है और हर एक की बहुत ही अपनी अपनी खूबी थी. लेकिन विनर हमेशा एक ही हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है अपने हक में ये सब ही विनर्स हैं. इज कमिंग ऑन 20th मे और आप लोग प्लीज़ देखिएगा सब, क्योंकि ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक नया लेवल है. और ऑफकोर्स वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स के लिए एक्शन, इस तरह की कभी कोई फिल्म भारत में आई ही नहीं.
people are loving the show at the numbers that probably no digital show has done. So I'm very, very happy. Kangana has been professional, charismatic, and probably a delight to work with. I mean, Munawar is a winner, and he's a winner because he's chosen by the people. And we also, me and Kangana, all of us sat and we decided that there is no better player than him. So yes. I think her show ki apni choice hoti hai, but that's why we have not left too much to voting, because logo ko lagta hai voting sirf fans hoti, log paise kharcha bhi karte hai, but automatically हमने ऑडियंस के वोट भी लिए, फिर ऑडियंस की फैन फॉलोइंग ली, कैसे लोग बात कर रहे हैं, किस कंटेस्टेंट की बात कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली हमने I want to work hard. That's it. Thank you. Show in the country right now, and it's done really, really well. We crossed 13.1 million views, live views, yesterday, and you know, we are very, very happy. Hence the success party. Hum success party bahut pehle karna chahte the, but we obviously had to wait for the caddies as well. And you know, the finale, we're very happy with the outcome, and just everything about the show, the format, the way it's done, really, really well. Very happy. And what do you want to say? Munawar, I love what's happening with Munawar. I saw all the posts and everything on social media. He's taken the trophy to Dungri, and that's what he had promised his fans, and I'm very proud of the fact. Munawar has of course won the show, and you know, he was all of our favorite, but at the same time there's Shivam, there's Payal, there's Prince, everybody you know, got together and made the show what it is, and so you know, the credit goes to all. But of course, Munawar winning the show for first season of Lockup, I think that's pretty badass. And what was the best part of Munawar that made him win the best part? I think the Munawar had a lot of you know, soul in you know, the way he played. He had leadership qualities. He was you know, he was just alone, and he figured out his game. And most importantly, it was the public
support that Munawar got. It was not less than an uproar. Thank you. आएगा वापस आएगा आएंगे वो बनी क्योंकि उन लोगों को भी नहीं लगा था कि क्योंकि मैं इतनी फेमस नहीं थी और मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया था इंडस्ट्री में और फिर मैं फाइनलिस्ट बनी तो उन लोगों के लिए भी शौक है और मेरे लिए भी ये मैंने पहले भी बताया था कि मुनव्वर बैडएस थे लेकिन वो घटिया नहीं है कुछ कुछ लोग बैडएस बनने के चक्कर में घटिया बन गए थे तो मुनव्वर एक अच्छा इंसान है यार ऐसा शो ना कभी बना है ना कभी बन सकता है. हेलो, क्या आपने सोचा था कि आप ऐसी लड़की ऐसे इंसान से मिलोगे जो इतनी खतरनाक है? बताओ हम ऑलरेडी बहुत मिस कर रहे हैं.
यार लॉकअप मेरे लिए डेफिनेटली एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रही है. ऐसा शो ना कभी बना है ना कभी बन सकता है. और सबसे पहले आई रियली वांट टू थैंक एकता मैम, कंगना मैम, जुल्फी सर, एंडिमॉल, एमएक्स प्लेयर, ऑल बालाजी, ताकि क्योंकि उन लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी. और उसके बाद मैं ऑल दी ऑडियंसेस और सारे मीडिया को थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया. और अगर जब मैं निकला भी था तो सबका दिल जीत कर निकला हूँ. और लॉकअप को मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ. मुनावर ने होमवर्क बहुत अच्छी की थी और वो बड़े नेक दिल बंदा है और सोचता बहुत अच्छा है. रिश्ते उसने बहुत अच्छे बनाए हैं और उसने अपना 100% गेम के अंदर दिया था. और मैं बहुत खुश हूँ जेन्यूनली और दिल से कि मुनावर जीता है. वो डेफिनेटली डिजर्व करता था लॉकअप सीजन 1 एज अ विनर. थैंक यू. थैंक यू. I still took a stand for my girl, for my mother, and I'm still proud of it. And I've come out a better person. So, you know, thank you so much, All Balaji, Ekta Ma'am, Balaji Telefilms, Zulfi sir, Karan, who was also a very big supporter after I got out of the house. So, thank you so much. And yeah, these are memories. I can't wait to meet all these guys inside. यार वही ना, मैंने जिसको सब क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ विनर मैं ही हूँ. बट पता नहीं क्या हो जाता है, किसी को पसंद नहीं आती है, कुछ होता है, मैं आ जाता हूँ. तो फिर मेरे को पता ही है कि अगर मैं नहीं जीतूँगा तो ये ही बंदा जीतेगा. और वही होता है, जो पुराने शो में हुआ था दिव्या, ये शो में हुआ था मुनावर. सो इज दिस, यू विन सम यू लूज सम, बट या एज लॉन्ग एज द ऑडियंस नोज मी, they know my game, they know what I bring to the show. Nothing more than that I can ask for. Thank you. Amar bhai, I love you. शो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है.
अलग तरह का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही रियल है, रियलिटीज का गॉप एक्चुअली. तो बहुत अच्छी जर्नी रही, आई हैड ग्रेट फन और बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं, सो आई एम गोइंग टू एंजॉय विद देम नाउ. वो शुरू से ही जब वो एंटर हुए थे तब से ही लग रहा था कि जिस तरह से वो अपना दिमाग यूज़ कर रहे थे गेम को लेकर, और जिस तरह उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वैसा मुझे नहीं लगा किसी को भी समझ में आया था. सो ही रियली प्लेड वेल एंड ही वाज ऑफकोर्स बहुत अच्छी लगी, बहुत ही उन्होंने अच्छे से सबको हैंडल किया, सबको ट्रीट भी किया, बहुत जिसको जिसकी बैंड बजानी थी उसकी बैंड बजाई, वो जिसको प्यार से बोलना था उसको प्यार से बोला. तो शुरू से मुझे बहुत अच्छा लगा उनका गेम, और वो बहुत ही फन थे शो में, और उन्होंने बहुत एंटरटेन किया सबको. और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी एनर्जी एक ही लेवल की रहती है, एंड शिवम इज वन ऑफ देम जिनकी एनर्जी हमेशा से सेम फायर. उस चीज़ में चाहिए मुझमें मेरी दुनिया में मेरे आसपास जो हुई है बस. देखो जो मेरा सपना था, मैंने रियलिटी शो में भी बोला है कि मीडिया प्रेस हर कोई इम्प्रेस, तो मैं जो मैं ये चकाचौंध देख रहा हूँ इसी चीज़ के लिए तो मैं आया था बॉम्बे में. अब कल मैंने देखा इतने सारे लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, तो मैंने बकाया था एक घंटा खड़े हो गए, डेढ़ घंटा सबको मैंने टाइम दिया कि मुझसे कुछ छूट ना जाए, मुझसे कुछ छूट ना जाए जो मैं आप तक पहुँचा ना सकूँ. बस ऐसी ज़िंदगी जी है और आगे भी जी रहे हैं, और ये सब ये सपना पूरा होता वो दिख रहा है यार, इतने सारे माइक्स आगे बेसिक स्टार्टिंग है ये. जो अच्छा मुनव्वर की ऐसी क्वालिटी जो जिससे वो विनर बना, उसकी माइंड गेम्स है अच्छी, माइंड गेम्स खेली है उसने. और मैं जो हूँ मैं भी बैडेस्ट, मुझसे ज़्यादा बैडेस्ट कोई नहीं था, पर क्योंकि उसको जो उसका जो वेरिएशन था वो नहीं दिखा पाया, बट क्योंकि उसकी माइंड गेम्स अच्छी थी इसलिए वो ज़्यादा अच्छा बेहतर प्लेयर है, क्योंकि वो एक रियलिटी शो है, एक गेम शो है. तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर विनर्स वो होते हैं जिनकी माइंड गेम भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. मैं लोगों का मनोरंजन करता आया हूँ और एंटरटेन किया है मैंने दुनिया को, और मैं लोगों को हंसाने में ज़्यादा मैंने विश्वास रखा, भले कि मैं ज़्यादा गेम खेलूँ, मेरा गेम पर ज़्यादा ध्यान नहीं था, मेरा एंटरटेनमेंट जो दुनिया है कि ऑडियंस जब टीवी ऑन करे तो हंसे, वो लोग हंसे मुझे देखकर, बस और कुछ नहीं. मैंने और कोई गेम नहीं खेली है मैंने, दैट्स इट. पी आर टीम रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको वोटिंग चाहिए ज़्यादा, अब मेरा तो फर्स्ट कैप्टिव रियलिटी था. अगले में जाएंगे महादेव ने चाहा तो बिग बॉस में भी ज़रूर आएंगे, और उसमें हम अच्छी पी आर टीम रख के आएंगे, ठीक है ना. थैंक यू. शीज़ एन अमेजिंग होस्ट, बहुत अच्छी होस्ट है वो, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है, हर चीज़ वो तरीके से करती हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर उनके अलावा कोई और, मुझे नहीं लगता कि कोई और इस शो को होस्ट कर सकता था, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता. शी इज़ दी बेस्ट. थैंक यू गाइज, आई लव यू ऑल. Sara is the
I don't think I should answer this question. You'll be the best person to answer. Tell us something about the show. Is show is good? Well, it's the number one show in the country right now, and it's done really, really well. We crossed 13.1 million views, live views, yesterday, and you know, we are very, very happy. Hence the success party. Hum success party bahut pehle karna chahte the, but we obviously had to wait for the caddies as well. And you know, the finale, we're very happy with the outcome, and just everything about the show, the format, the way it's done, really, really well. Very happy. And what do you want to say, Munawar? I love what's happening with Munawar. I saw all the posts and everything on social media. He's taken the trophy to Dungri, and that's what he promised his fans. And I'm very proud of the fact. Munawar has, of course, won the show, and you know, he was all of our favorite. But at the same time, there's Shivam, there's Payal, there's Prince. Everybody, you know, got together and made the show what it is. And so, you know, the credit goes to all. But of course, Munawar winning the show for first season of Lockup, I think that's pretty badass. And what was the best part of Munawar that made him win the best part? I think Munawar had a lot of you know, soul in you know, the way he played. He had leadership qualities. He was you know, he was just alone, and he figured out his game. And most importantly, it was the public support that Munawar got. It was not less than an uproar. Thank you. Actually, this is the only show, you know, जो मेरे सारे co-actors बहुत अच्छे से follow कर रहे थे. I've been hearing a lot about show, और मुझे भी जब भी time मिल जाता था तो मैं देखता था obviously Lockup. And the best part was कि ये show actually जो बाकी contest, मतलब जो बाकी concept है show का, जो reality shows का, उससे थोड़ा अलग था, थोड़ा raw था. तो इसे देखने में ज़्यादा मज़ा आता था. And मैंने तो कुछ दिन पहले ही कहा था, you know, that I just wish that Munawar जीते ये show. So first of all, congratulations to Munawar for winning this show. And yep, congratulations to the entire team and Ekta ma'am as well. After 2 months, I'm actually seeing media. It has been a while that I haven't seen you guys. So I missed you. About the show, it has been a gorgeous experience that I've got. I didn't expect it, the kind of love that I'm getting from everyone. Bahut bahut pyar mil raha hai sabhi logon se. Thank you for loving me.
ज़्यादा डिजर्विंग था टू विन दिस शो. इनफैक्ट जब मैं बाहर निकली, जब मैं लॉकआउट हुई थी, आई रिमेंबर टेलिंग दिस टू एवरी मीडिया गाय, यू नो, व्हेवर आई वुड स्पीक टू ऑल माय फ्रेंड्स, आई वुड से दैट, यू नो, कि मुनव्वर विल विन. आई अज्यूम दैट एंड आई एम हैप्पी दैट माय फ्रेंड वन. डन.